अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप? मैं भी ठीक हूँ। खुश रहें, आबाद रहें। आज गुड़ और शक्कर की किचन में बनने लगी है खीर, मज़ेदार, ठंडी ठंडी, लजीज। ये दूध 1 kg, ये दूध लिया है जो घर में हमारे आता है रूटीन वाइज मॉर्निंग में, बड़ा अच्छा दूध होता है, सही गाढ़े वाला। और एक हलीब का मैंने लीटर का डालना है, ये भी फुल क्रीम वाला मैंने लिया है। ये राइस लिए हैं 250 mg है। ये मैंने अच्छी तरह 5-6 घंटे पहले इसे वॉश करके इसे डिप कर दिया हुआ था, तो अब मैंने इसे फिर वॉश किया है, आपके सामने लेके आई। इस तरह अच्छी तरह हो जाते हैं ना सॉफ्ट। और ये शुगर, ये मैंने ऐसे अंदाजे के हिसाब से लिया जितनी डलेगी। ये एक रस का पैकेट लिया, और ये साथ ग्रीन लच, ये और ये साथ वनीला एसेंस, ये 1 ड्रॉप सी डालूंगा। ओके जी, फिर स्टार्ट करते हैं। ये ऊपर पैन रख दिया, अब इसमें दूध ऐड करने लगी हूँ। जो थोड़ा गर्म होता है ना, फिर उस साइड भी अब चलते हैं, फिर जरा ग्राइंड कर लेते हैं चीजों को। ये मिल्क मैंने डाल लिया चपन में, ये मैं इसमें रस डाल लेंगे। ये एक पैकेट मैंने डाला 4 पीस, जितना बड़ा पैकेट होता था तो अब इतने इतना छोटा सा कर दिया। ये देखिए इसके रस देखिए, इतने इतने कर दिए ना छोटे छोटे। अब इसमें जाएंगे राइस, ये देखिए। जब दूध में मैंने रस डाले थे और राइस डाले थे, और ये मैंने जो है ना ब्लेंडर में डाल के ना सही ग्राइंड कर लिए, ये देखिए ये सारे चले जाएंगे। देखिए ये मेरी खीर बन रही है माशाल्लाह। अब इसमें इलायची डाल देते हैं ग्रीन वाली, ऐसे ओपन करके ना डाल देते हैं, इसकी अच्छी खुशबू आती है। फोर मैंने डाली है, अच्छी है, बड़ी मज़े की यमी वाली आज खीर बननी है माशाल्लाह, चटपट बन जाती है माशाल्लाह। ऐसे खिलाते जाने से छोड़ना नहीं है तो गुठलियाँ बन जाएंगी। ओके, और ये है मेरे आलमंड, और ये साथ कोकोनट, ये भी थोड़ी सी। अब मैं आलमंड की कटिंग कर लूँ। ये है आलमंड और ये है साथ मेरी कोकोनट। अब इसे कटिंग कर लेते हैं, फिर इसे भी ऐड कर लेंगे उसके। स्लो फ्लेम कर देते हैं। चला इसमें मैं करती हूँ शुगर ऐड, ऐड करके चेक कर लेती हूँ, फिर वो डाल दूँगी अगर काम। कुछ लोग नॉर्मल खाते हैं शुगर, कुछ ज़्यादा स्वीट खाते हैं, हमारे घर में नॉर्मल ही होती है, ना कम ना ज़्यादा। अब इसमें डालते हैं खोया,
खोए से और ही टेस्ट आएगा। देखिए आप बस रेडी है माशाल्लाह। देखिए झटपट बन गई है खीर। अब इसके आलमंड ऐड करेंगे थोड़े से ऐसे ऐड कर, बाकी ऊपर गार्निश करेंगे। चेक कर लें इसकी शुगर, शुगर ठीक है ना इसकी। वाह जबरदस्त बड़ी जमी बनी है, से क्रीमी क्रीमी मज़ेदार। ये होने लगी है ट्रांसफर मेरे प्यारे से बॉल मेरे। माशाल्लाह अब इसी कर लेते हैं गार्निश। ये कोकोनट ये मैंने क्रश कर लिया है। ये आलमंड, ये मेरे आलमंड, ये हो चुकी है रेडी माशाल्लाह जबरदस्त। अब इसे ये थोड़ी ठंडी होगी ना, फिर इसे मैं रखूँगी फ्रिज में, फिर इसके बाद इसे करूँगी चिल और फिर खाएंगे हम, आपको दिखाएंगे। और ये जो पार्ट है जिसमें ये खीर बनी है, जो खीर नीचे पता लग जाती है कितनी मज़े की होती है, क्रीमी मज़ेदार। गुड़ खाएंगे वो कौन देश का चाटता है। और हमारे घर में चाटने वाली एक है गुड़, शक्कर तो नहीं चाटती लेकिन ये सॉरी गुड़ नहीं चाटती, शक्कर चाटती है। ये गजरेला बने वो भी यही चाटेंगे, आज भी इसने ही चाटना है। ओके आप फिर मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। ओके अल्लाह हाफिज प्यारे व्यूअर्स, खीर हो चुकी है मेरी चिल, फ्रिज में रखी थी अब माशाल्लाह से ही चिल हो गई है। तो अब हम ईट करते हैं। बिस्मिल्लाह माशाल्लाह कितनी जबरदस्त बनी है। ओ यम्मी बिग बाइट आप सबके नाम, मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स के नाम बिग बाइट। बिस्मिल्लाह गाइस इतनी मज़े की बनी है कि आप बताओ, इतनी क्रीमी मज़े की डिलीशियस, मज़ा आ गया सही चीज़। जो देखे माशाल्लाह जो खोया डाले ना उसका अपना ही टेस्ट है, हर चीज़ का अपना टेस्ट है इसमें माशाल्लाह। यही अभी माशाल्लाह शुक्रिया अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी सब ऐसे मेरे रेसिपी को फॉलो कीजिएगा और ऐसे ही बनाएगा, आपकी भी ऐसी मज़ेदार डिलीशियस यम्मी वाली खीर रेडी होगी और आप खाएंगे अपने। वाह मज़ा आ गया, और चिल का तो और भी ज़बरदस्त मज़ा है, क्रीमी मज़ेदार माशाल्लाह। प्यारे व्यूअर्स मेरी वीडियो देखा करें, उसे लाइक किया करें, और जो नए आए हैं उसे सब्सक्राइब किया करें प्लीज़। मुझे जल्दी जल्दी लाइक करें, कमेंट्स दिया करें, मुझे अच्छा लगता है। और अब आपसे चाहती हूँ इजाज़त।
कल एक और नई मजेदार बड़ी कल मजे की शमी शमी वाली डिश के साथ हाजिर हो जाऊंगी। सबकी फेवरेट। हाँ, आप सबकी फेवरेट है, मेरी भी, और आई होप आप सबकी भी फेवरेट होंगी इंशाल्लाह। अच्छा जी, अब जाती हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद।